गाइस, एक ने एक महत्वपूर्ण सवाल जारी किया है। इसमें दिखाया गया कि सत्र 2022-23 के सब सेमेस्टर के द्वितीय चरण के रेगुलर एवं करियर विषय की परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं हेतु चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में, मतलब ये जो है 2022-23 के जो है इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे द्वितीय चरण में, उन छात्रों के अंदर जो है कुछ डाउट्स थे कि हमारी कापी में नंबर हमको कम मिले हैं, या हमें अपनी कापी देखना है या चेक करवाना है। उसी पर्पज़ से जो है ये सर्कुलर आया हुआ है। इसमें देखो दिखाया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध आपकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित करना है कि सत्र 2022-23 के सम सेमेस्टर के द्वितीय चरण के रेगुलर कैरियर विषयों की संपन्न हुई परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के कैरियर विषयों का परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं। उक्त परीक्षाओं से संबंधित ऐसे छात्र छात्रा जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन कराए जाने के इच्छुक हैं, ऐसे छात्र छात्रा अपने विषयों का चैलेंज मूल्यांकन का फॉर्म भरने से पूर्व चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के जो नियम है क्या उसको ध्यान से पढ़ लें। पहला क्या कहेगा कि प्रथम चरण चैलेंज मूल्यांकन छात्र को उत्तर शासन से उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार मूल्यांकित उत्तर पुस्तक देखने के लिए प्रति विषय 300 रुपया मात्र विश्वविद्यालय में ARP लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने हैं। दिनांक 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आगे का प्रथम चरण चैलेंज मूल्यांकन आवेदन के अंतिम तिथि के उपरांत छात्र की डिजिटल मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका छात्र की ERP लॉगिन उपलब्ध करा दी जाएगी। डिजिटल मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत यदि छात्र संतुष्ट होता है तो छात्र नियत तिथि तक चैलेंज मूल्यांकन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु आवेदन कर सकता है। अतः उससे अवगत होते हुए चैलेंज मूल्यांकन का आवेदन करने हेतु इच्छुक छात्रों को अपने समय से भी इस तरह से सूचित करते हुए अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का स्ट्रेस। मतलब आपको बता दें कि आपको जो है अगर चैलेंज मूल्यांकन करना है तो अपने लॉगिन से आप जो है इसको जो है फॉर्म भरेंगे और 300 रुपये जो है आपको अपने लॉगिन से पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपके जो कह रहा है इसके बाद में जो है आपकी कापी जो देखने को मिल जाएगी। आगे आपको बताते हैं कि इस वीडियो में जो है अगर ये कैसे आपको फॉर्म भरना है क्या है वो आने वाले समय में हम आपको एक नया वीडियो बना के डालेंगे। इसलिए अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करिएगा। ओके, बाय।